वेलकम ऑल, आप सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सोमू सिंह की तरफ से मुझको सिग्नल मिल चुका है कि अब हम लाइव टेलीकास्ट के लिए तैयार हैं। मैं सबके, जो लोग वॉच कर रहे हैं, जो लोग हेलो कर रहे हैं, सबको अपनी तरफ से हेलो करता हूं। देख पा रहा हूं नाम, अब मैं इंडिविजुअल नमस्ते कर रहे हैं पंकज से, अनंता हल, आदित्य जी, रितेश जी, सुप्रभात आदित्य सर, सभी को, अजय त्री जी नमस्कार, सोमू तो हैं ही इस ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर, गुड मॉर्निंग रितेश। मुझको लगता है कि मैं अपनी बात शुरू करूं, सोमू मुझको सिग्नल दें तो मैं शुरू करूं, या अभी दो चार मिनट वेट किया जाए। स्वागत है नगेन जी आपका। गुड मॉर्निंग को, ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर इज सेइंग स्टार्ट नाउ, वेलकम मनीष। दोस्तों, इस फेसबुक लाइव पेज का जो आइडिया जनरेट हुआ, तो वो डिस्कशन में आप सब लोग, बहुत सारे ग्रुप उस ग्रुप का पार्ट हैं, और ये आइडिया डेवलप हुआ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम टेक्नोलॉजी का और इस समय का सबसे बेहतर सदुपयोग कैसे कर सकें। और कुछ साथियों ने कहा कि हम क्यों ना कुछ लेक्चर सीरीज एक शुरू करें, उसी के तहत ये प्रयास है। और खासकर इसलिए, हालांकि इस पेज के एडमिनिस्ट्रेटर और जिनका ये आइडिया है, जो इसको डील कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सोमू सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, उनका, उन्होंने मुझको स्टैटिस्टिक्स भेजी इस ग्रुप के बारे में, और उस स्टैटिस्टिक्स से पता चला कि इस फेसबुक ग्रुप जो टीचर एजुकेटर्स का है, उसमें बहुत अच्छी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और डिफरेंट कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर इंडिया से है। और चूंकि बहुत सारे लोगों ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल बहुत जगह आसानी से मिल जाता है, और रीजनल लैंग्वेजेस में, पर्टिकुलरली हिंदी बेल्ट में, उस मटेरियल का क्राइसिस है, उस भाषा में अवेलेबिलिटी की दिक्कत है और लर्नर्स को दिक्कत आती है, इसलिए मैं अपने कंटेंट का मैक्सिमम पोर्शन और पर्टिकुलरली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी रखूं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसमें हम ज़्यादातर बात कम्युनिकेशन हिंदी में करें, हालांकि टर्मिनोलॉजी हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे ताकि वो बहुत क्लिष्ट ना बने समझने के लिए। सो हम कन्वेइंग माय अपोलॉजीज टू द ग्रुप मेंबर्स हु आर नॉट वेल एक्वेंटेड विद हिंदी, दो आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट और कन्वे सम कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश एज वेल, बट सिंस द प्राइमरीली द डिमांड फॉर दिस लेक्चर वॉज इन हिंदी, सो मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लेक्चर विल बी कम्युनिकेटेड इन हिंदी, दो सम कॉन्सेप्चुअल थिंग्स विल बी गिवन इन इंग्लिश एज वेल। अभी इस, आज जो पहला सीरीज हम इसमें शुरू कर रहे हैं, उसमें सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में मुझे बात करनी है। सैम्पलिंग टेक्निक्स के लिए हम एक चीज बैकग्राउंड थोड़ा सा लेके चले। डेफिनेटली ये लेक्चर एक्सपर्ट टीचर एजुकेटर्स के लिए नहीं है, जो मेरे कोलीग्स हैं, मुझसे सीनियर हैं और मुझसे ज़्यादा जानते हैं मैक्सिमम लोग। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स के ज़्यादा काम आएगा।
जब हम बात करते हैं सैम्पलिंग की, तो एक्चुअली एजुकेशनल रिसर्च में सैम्पलिंग की जो जरूरत पड़ती है या सैम्पलिंग का जो आइडिया इवॉल्व होता है वो उस बेसिक पॉइंट से है जब हम स्टैटिस्टिक्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आप सब जानते हैं इस बात को कि रिसर्च में जब आपको किसी भी ग्रुप के बारे में कोई निर्णय लेना है, मान लीजिए मैं अपने विद्यालय के या अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स का एवरेज आईक्यू जानना चाहता हूं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स जितने भी मेरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं सबका एक आईक्यू टेस्ट लूंगा, एक इंटेलिजेंस टेस्ट लूंगा, और उनका सबका इवेल्युएशन करके, स्कोरिंग करके मैं सबका एक एवरेज आईक्यू निकाल दूंगा, मीन निकाल के। जिस ग्रुप के लिए मैं निर्णय लेना चाहता हूं, मैंने उस ग्रुप के प्रत्येक मेंबर से डेटा कलेक्ट किया है। ये जो सारी प्रक्रिया है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की प्रक्रिया है, जहां हम ग्रुप के सभी मेंबर से डेटा कलेक्ट करते हैं और उस ग्रुप के बारे में निर्णय लेते हैं। निश्चित ही ऐसी सिचुएशन में जितने ग्रुप के लिए आपने डेटा कलेक्ट किया है उतने ग्रुप से बियॉन्ड आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, आपने सिर्फ उसी ग्रुप के लिए डेटा कलेक्ट किया है, आप उसी ग्रुप के लिए निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बहुत बार हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमको बड़े ग्रुप के लिए क्या मेरी आवाज अभी क्लियर नहीं है सोमू, मुझे बताइए। मैं पॉज करके वेट कर रहा हूं सोमू आपके कमेंट का, क्या आवाज अभी क्लियर नहीं है? हेलो, हेलो, ओके, थैंक यू विवेक। तो हम बात कर रहे थे कि उसी ग्रुप के लिए हम जनरलाइज कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव सिचुएशन में, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे पास जो टारगेट ग्रुप है वो बहुत बड़ा है। जैसे मुझे चाहिए कि मैं अपने शहर के सभी 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज आईक्यू जानना चाहता हूं। अब मेरा शहर अगर बड़ा है, सपोज मैं अगर दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली एक बड़ा शहर है, उसमें 10th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होगी। उस सिचुएशन में मेरे लिए ये इम्प्रैक्टिकल होगा, मैं इम्पॉसिबल नहीं कह रहा हूं, ये इम्प्रैक्टिकल होगा कि मैं एक एक स्टूडेंट्स का अचीवमेंट इंटेलिजेंस टेस्ट लूं, उनका आईक्यू स्कोर निकालूं और फिर उसका एवरेज निकालूं। जब बड़े ग्रुप की बात होती है उस सिचुएशन में हम लोग सैम्पलिंग की बात करते हैं। हम करते क्या है कि उस बड़े ग्रुप से, बड़े समूह से, जिसको हम टेक्निकली पॉपुलेशन कहते हैं, उस समूह से उसका एक रिप्रेजेंटेटिव टुकड़ा, चंक चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव टुकड़ा जो होता है वो सैंपल कहलाता है, और उसके सैंपल पर हम अपनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सैंपल पर से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और इस सैंपल के बेसिस पर हम रिजल्ट्स इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं रिजल्ट्स का पूरी पॉपुलेशन के लिए। ये सारी प्रक्रिया इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में है। जो हम कभी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे किसी और लेक्चर में और इस अंतर को समझेंगे, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण है कि जब हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर पाते, मैं एक लाइन में या बस पॉपुलेशन आपके लिए डिफाइन करता हूं, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर कॉमन इन एटलीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक, एंड विच कैरेक्टरिस्टिक, विच इज ऑफ रिसर्चर्स इंटरेस्ट। जैसे मैंने कहा कि 10th क्लास में पढ़ने वाले दिल्ली शहर के सभी बच्चे, तो ये मेरी पॉपुलेशन है। अगर मैं इंटरेस्टेड हूं 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाले दिल्ली शहर के बच्चे, तो ये एक दूसरी पॉपुलेशन है। हम जब बड़ी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते तो, या वो इम्प्रैक्टिकल होता है, रिसोर्सेज हमारे ज्यादा लगते हैं उसमें, तो हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाते हैं, जिसमें हम एक टुकड़ा, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव चंक सेलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर पूरी पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट्स जनरलाइज करते हैं।
ये जो रिप्रेजेंटेटिव चंक चुनने की प्रक्रिया है, एक रिप्रेजेंटेटिव टुकड़ा चुनने की प्रक्रिया, जिसको आप बहुत कॉमनली क्लासेस में, आपको टीचर्स ने एग्जांपल दिया होगा चावल पकने वाला, कि आप जब चावल पका रहे हैं तो आप सारे चावल नहीं चेक करते कि करके, आप एक रेंडमली एक चम्मच से चावल निकालते हैं और चावल के दाने को दबा के देखते हैं कि हाँ पक गया नहीं पक गया, उन एक चम्मच चावल के बेसिस पर आप पूरे चावलों के बारे में निर्णय ले लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से, पूरे चावल एक पॉपुलेशन है और वो जो एक चम्मच आपने चावल निकाले वो आपका सैंपल है, लेकिन वो जो आपने एक चम्मच चावल निकाले, वो जो सैंपल आपने ड्रॉ किया, उस ड्रॉ करने की प्रक्रिया क्या होगी? एजुकेशनल रिसर्चेज में, या कहना चाहिए बिहेवियरल रिसर्चेज में, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, पॉपुलेशन का नेचर, इन सब चीजों को देखते हुए हम सैंपल अलग अलग तरीके से चुनते हैं। सबके साथ अपने कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, सबके साथ कुछ कंडीशंस हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको हम कॉमनली सैंपलिंग टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। हम पॉपुलेशन से सैंपल कैसे विड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करें, हम सैंपल पॉपुलेशन से कैसे निकालें, उसकी तकनीक क्या हो हमारी, वो सैंपलिंग टेक्निक है। ब्रॉडली सैंपलिंग टेक्निक को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, जो एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। सारी सैंपलिंग टेक्निक्स को दो समूहों में हम बांट सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक वो सैंपलिंग टेक्निक है जिसमें हम रेंडमाइजेशन करते हैं, सैंपल को रेंडमली सेलेक्ट करते हैं। हम रेंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि एवरीथिंग इज लेफ्ट टू चांस, देयर इज नो फिक्स्ड प्लानिंग। हमने कोई बायसनेस नहीं की है, हमने सब चांस के ऊपर छोड़ दिया है। जब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पॉपुलेशन के प्रत्येक इंडिविजुअल को सैंपल के रूप में सेलेक्ट होने का बराबर चांस दे रहे हैं। हमने कोई बायसनेस नहीं की है कि ये व्यक्ति सेलेक्ट हो जाए, ये व्यक्ति सेलेक्ट ना हो। पॉपुलेशन के प्रत्येक इंडिविजुअल का सैंपल के रूप में सेलेक्ट होने का चांस बराबर हो, इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। और जब ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक चल रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर, एक मिसकंसेप्शन जो बहुत कॉमनली होता है लोगों में, कि अगर हम रेंडम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा सैंपल 100% रिप्रेजेंटेटिव होगा। नो, इट्स नॉट गारंटी, सिंस एवरीथिंग इज लेफ्ट टू चांस, सो देयर मे बी चांस एरर्स। फिर हम इतना हाई तौबा क्यों मचाते हैं कि हमको रेंडम सैंपल ही लेना चाहिए? हम कहते हैं ना हमेशा सैंपल रेंडमाइजेशन करना चाहिए अगर ज्यादा बेहतर होता है, और रेंडम सैंपल गारंटी नहीं है रिप्रेजेंटेटिव होने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि नॉन रेंडम से बेहतर है, चांस के ऊपर है, और चांस में जो बायस फैक्टर्स हैं या जो और दूसरे फैक्टर्स हैं, दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन चांस फैक्टर्स रहते हैं, इसलिए 100% रिप्रेजेंटेटिव होना गारंटी नहीं है। लेकिन एक लाइन में यहां कहकर अभी इस बात को रोक दूंगा, फिर बाद में हम डिस्कशन के बेसिस पर चाहे तो इसको ले लेंगे, कि हम जब सैंपल के बेसिस पर पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट्स का इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं, रिजल्ट्स इन्फर करना चाहते हैं पॉपुलेशन के लिए, तो हम डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जैसे टी टेस्ट है। उस सिचुएशन में ये सारी स्टैटिस्टिक्स जो है, हमारी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है ये वाली, जिसमें हम जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स कॉमनली यूज हम करते हैं, वो सब रेंडम सैंपल की अजम्पशन पर बेस्ड है। इसलिए अगर मैंने सैंपल रेंडमली ड्रॉ किया है तो मैं उस एरर का एस्टिमेशन आसानी से कर सकता हूं। ज्यादा बेहतर एस्टिमेशन होगा अगर रेंडम सैंपल है, इन स्टैटिस्टिक्स की मदद से सैंपलिंग एरर का, और अगर रैंडम सैंपल नहीं है तो उतना बेहतर एस्टिमेशन नहीं होगा, इसलिए हम रैंडम सैंपल को प्रेफर करते हैं। ओके, कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन, जब हमने कहा कि दो ग्रुप्स हैं हमारे पास सैंपलिंग टेक्निक्स के, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, और हमने बात की कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में हम पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को सैंपल के रूप में सेलेक्ट होने का इक्वल चांस प्रोवाइड करते हैं, और हम सब चांस फैक्टर के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन मेरी पॉपुलेशन की नेचर क्या है, कितनी बड़ी है मेरी पॉपुलेशन, किस तरीके की है, उसके बेसिस पर भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में अलग 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 मेथड्स हैं। चार मेथड्स कॉमनली हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में। एक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, सिंपल रैंडम सैंपलिंग,
दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, तीसरा है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग के ऊपर विवाद भी है, मैं बात करूंगा आने वाले टाइम पर अभी उसके बारे में कि ये प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा चौथी है क्लस्टर सैंपलिंग या एरिया सैंपलिंग उसी को कहते हैं। ये चारों प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के पार्ट है। एक तरफ से शुरू करते हैं, पहला पार्ट जो है इसमें, जो पहला मेथड है वो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। किन सिचुएशंस में हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करते हैं? जब मेरी पॉपुलेशन फाइनाइट हो, बहुत बड़ी ना हो, फाइनाइट हो, होमोजीनियस हो, तब मुझको कायदे में सिंपल रैंडम सैंपलिंग के लिए जाना चाहिए। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब आप बहुत कॉमनली जो लोग समझते हैं लॉटरी मेथड जिसको आप कहते हैं, सिंपल रैंडम सैंपल ड्रॉ करने के जो बहुत सारे तरीके हैं उनमें से एक लॉटरी मेथड है। हम कॉमनली लॉटरी मेथड इतना कॉमनली कहा जाता है, यूज किया जाता है कि कई बार हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग को लॉटरी मेथड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नाम को, जबकि ऐसा नहीं है। मैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के तहत सिंपल रैंडम सैंपलिंग सैंपल ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं कई तरीके से कर सकता हूं, जिनमें एक लॉटरी मेथड है, जिनमें दूसरा रैंडम नंबर टेबल्स है। इसमें हम करते क्या है, जैसे लॉटरी मेथड में हमने अपनी पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल्स की एक लिस्ट बनाई, लिस्ट क्या उनको नंबरिंग की लिस्ट नहीं बनाई, नंबरिंग की। और वो नंबर को सपोज मुझे 50 की मेरी क्लास है, उसमें से रेंडमली 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने कहा कि 50 की पर्चियां बनाई मैंने, और एक फिश बोल में, जिसको फिश बोल मेथड भी कहते हैं हम, फिश बोल में एक में डाली कंटेनर में 50 पर्चियां, उनमें से 5 पर्चियां रेंडमली सेलेक्ट कर ली। ये मेरा सिंपल रेंडम सैंपलिंग है। ध्यान देना, मैंने कंडीशन लगाई कि जब मेरी पॉपुलेशन होमोजीनियस होगी, अगर मैं अपनी 100 की क्लास से 10 बच्चे सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं ये तरीका यूज कर सकता हूं, लेकिन मेरी 100 की क्लास में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और मैं चाहता हूं कि 5 लड़के सेलेक्ट हों, 5 लड़कियां भी सेलेक्ट हों, अब ये मेरी होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं बची। इस पॉपुलेशन में दो स्ट्रेटा आ गए हैं, एक लड़के और एक लड़कियां। ये अलग बात है कि विद इन अ स्ट्रेटम, स्ट्रेटा का सिंगुलर होता है स्ट्रेटम, स्ट्रेटा बहुवचन है, स्ट्रेटम एक वचन है, एक स्तर बहुत सारे स्तर, इसमें दो स्तर हो गए, लड़के और लड़कियां। इस सिचुएशन में यह अलग बात है कि लड़कों का अपने आप में जो एक स्तर है वो अपने आप में होमोजीनियस है, वो स्टेटम अपने आप में होमोजीनियस है, गर्ल्स का जो स्टेटम है वो अपने आप में होमोजीनियस है। तो इन दो स्टेटम में से अलग अलग हम फिर से सिंपल रैंडम सैंपल कर सकते हैं, मैं अभी आऊंगा उस बात पर। लेकिन मैंने अभी कहा कि मुझे 100 में से 10 बच्चे लेने हैं और होमोजीनियस है पॉपुलेशन, मुझे कोई डिविजन नहीं करना है कि तो मैं अपना 10-100 के नाम की पर्चियां बनाई, उनमें से 10 पर्चियां निकाल ली। इसमें भी हम कई बार दो तरीके करते हैं। यहां कंडीशन है कि एक से दूसरे का सिलेक्शन जुड़ा हुआ ना हो, और जब हम सैंपल निकालें तो सबकी प्रोबेबिलिटी उस पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी सैंपल के रूप में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी समान हो। जैसे मैंने 100 में से एक पर्ची निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/100 है। इसमें भी दो टेक्निक लोग सजेस्ट करते हैं, एक विद रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं कि हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के तहत सिंपल रैंडम सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, और ये हम तब कर रहे हैं जब हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट है और हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस है। तो मैंने ये जो पर्ची निकाली, 100 में से एक बच्चे की पर्ची निकाली, मान लीजिए कोई नंबर से 55 नंबर वाला बच्चा सेलेक्ट हो गया, ये मेरा एक सैंपल का पार्ट हो गया। अब मैं वापस इसी पर्ची को वापस डाल दूं इसी बोल में, दिस इज कॉल्ड सैंपल विद रिप्लेसमेंट, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। दोबारा जब मैं पर्चियां निकालूंगा तो अगर बाई चांस मेरे पास वो 55 नंबर की पर्ची फिर से आ गई तो मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सैंपल के रूप में सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन जैसे अगर नेक्स्ट मैंने पर्ची निकाली, सपोज इस बार 76 नंबर की पर्ची आई, तो मैं 76 नंबर की पर्ची को नोट करके कि 76 नंबर वाला बच्चा मेरा सैंपल का पार्ट हो गया है, मैं वापस उस पर्ची को डाल दूंगा
सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट चल रहा है, और अगर मैं वो पर्ची वापस ना डालूं बोल में, साइड में उठा कर रखता जाऊं, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। टेक्निकली बहुत अंतर दोनों में नहीं आता है, हम और इसकी बारीकी के बारे में कभी डिस्कशन में फिर बात करेंगे, लेकिन ये एक बहुत कॉमन तरीका है जिसमें हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपल सिलेक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के तहत। अगर हम फिशबोल मेथड या जिसको कॉमनली लॉटरी मेथड कहते हैं, अगर हम इसको यूज नहीं करना चाहते तो हम साथ में यूज कर सकते हैं रैंडम नंबर टेबल्स। रैंडम नंबर टेबल्स आज की डेट में कंप्यूटराइज्ड भी होती हैं, प्रिंटेड भी आती हैं। प्रिंटेड पहले बहुत कॉमनली चलती थी, फिशर की एक बहुत कॉमन पॉपुलर टेबल रही है, टिपिट टेबल के नाम से भी हम बहुत कुछ टेबल को जानते हैं। इसमें टेबल्स एक पेपर पर रैंडमली नंबर लिखे हुए होते हैं, और हम मान लीजिए 100 में से मुझको 10 बच्चे सेलेक्ट करने हैं तो मैं रैंडमली एक तरफ से कहीं से भी शुरू कर सकता हूं उस टेबल में। मान लीजिए मेरी टेबल 1 से 999 के बीच की लिखी हुई है, यानी कि 999 बच्चों में 3 डिजिट टेबल है। टेबल डिजिट्स के हिसाब से आती है, रैंडम नंबर टेबल 3 डिजिट 4 डिजिट 2 डिजिट हम खुद से भी बना सकते हैं रैंडम नंबर टेबल। तो मान लीजिए मेरी 3 डिजिट टेबल है जिसमें 1 से 999 तक नंबर लिखे हुए होते हैं, उस टेबल में वो नंबर रैंडमली लिखे होंगे, उनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होगा, यही उसकी खासियत है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से लिखे होंगे 1, 2, 3, 4, 999 तक, नहीं, उसमें नंबर रैंडमली लिखे होंगे, लेकिन सारे नंबर होंगे, 1 से लेकर 999 तक का कोई भी नंबर छूटा नहीं होगा। तभी तो हम सबको इक्वल चांस दे रहे हैं सिलेक्शन का, अगर एक भी नंबर छूट गया तो इक्वल चांस नहीं बचा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं बची। तो सारे नंबर लिखे होंगे, एक तरफ से मैं शुरू करूंगा, और मान लीजिए मैं किसी कॉर्नर से शुरू कर सकता हूं, लेफ्ट टू राइट चल सकता हूं, राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, कैसे भी, लेकिन जैसे हम चलेंगे फिर हम उसी तरीके से चलते रहेंगे अपना पूरा सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, बीच बीच में बदलेंगे नहीं। तो मान लीजिए मैंने ऊपर से सेलेक्ट करना शुरू किया कि मैं ऊपर से जो नंबर आते चले जाएंगे उनको सेलेक्ट करता चलूंगा। तो मान लीजिए पहला नंबर आया 720 और मेरे पास पॉपुलेशन है सिर्फ 100 की, तो मैं 720 को इग्नोर कर दूंगा। दूसरा नंबर आया मान लीजिए 56, तो 56 एक व्यक्ति सेलेक्ट हो गया। तीसरा नंबर आया मान लीजिए 105, फिर मेरे पास नहीं है। चौथा नंबर आया मान लीजिए 210, फिर मेरे पास नहीं है। पांचवा नंबर आया मान लीजिए 7, उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और ऐसे मैं तब तक सेलेक्ट करता रहूंगा जब तक कि 10 बच्चे सेलेक्ट ना हो जाए मेरे पॉपुलेशन से, यही मुझको करना था। तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के तहत सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते समय जब मेरी पॉपुलेशन फाइनाइट है, होमोजीनियस है, तो मैं लॉटरी मेथड से, जिसको फिशबोल मेथड बोलते हैं, या रैंडम नंबर टेबल से, इन किसी भी मदद से अपना सैंपल सेलेक्ट कर सकता हूं, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। दूसरा जो इसमें मेथड है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स के तहत, वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ये उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है सिंपल रैंडम सैंपलिंग का। मूलतः कॉन्सेप्ट एक ही है चारों में, ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन का नेचर बदल जा रहा है इसलिए मैं अलग मेथड इस बार यूज कर रहा हूं। जब मेरी पॉपुलेशन एक से ज्यादा स्ट्रेटम में बटी हुई है, उसमें एक से ज्यादा स्तर है, तब मैं ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग नहीं लगा सकता। जो मैंने अभी एग्जांपल आपसे लिया था कि अगर मेरे क्लास में, 100 की क्लास में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे सैंपल में 5 लड़के भी आए 5 लड़कियां भी आए, तो मैं सिर्फ लॉटरी से नहीं जा सकता, क्योंकि लॉटरी में हो सकता है कि 10 के 10 लड़कियां सेलेक्ट हो जाएं या 10 के 10 लड़के सेलेक्ट हो जाएं, ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा उस क्लास का। खासकर जब मैं चाहता हूं कि मैं लड़के और लड़कियों के अचीवमेंट को कंपेयर करना चाहता हूं, तो मुझको लड़कों का भी सैंपल चाहिए, डेटा चाहिए, लड़कियों का भी चाहिए, और मेरे सैंपल में अगर सिर्फ लड़के सेलेक्ट हो गए या सिर्फ लड़कियां सेलेक्ट हो गई, तो मेरा पर्पस पूरा नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन जो कि मेरी एक से ज्यादा स्ट्रेटा में बटी हुई है, और एक स्ट्रेटम अपने आप में होमोजीनियस है, तो हम एक स्ट्रेटम को एक तरीके की कंप्लीट पॉपुलेशन मानते हुए उसमें से सिंपल रैंडम सैंपल लगा देंगे। जैसे 100 लड़के हैं, 100 बच्चे हैं क्लास में, उनमें से मान लीजिए 60 लड़कियां हैं, 40 लड़के हैं, तो मैं 60 लड़कों की पॉपुलेशन को अलग मानूंगा और 40 लड़कियों की पॉपुलेशन को अलग मानूंगा,
60 में से अलग बच्चे सेलेक्ट करूंगा, 40 में से अलग बच्चे सेलेक्ट करूंगा, और वो सेलेक्ट करने का तरीका वापस से, चूंकि पॉपुलेशन फाइनाइट है, होमोजीनियस हो गया अब एक स्टेटम अपने आप में, तो मैं वापस पुराना तरीका लॉटरी मेथड या रैंडम नंबर टेबल लगा सकता हूं। ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है। इसमें भी एक और मैं एग्जांपल आपके सामने लेता हूं कि मान लीजिए मैं, किसी ने भी पूछा है कि हाउ वी क्रिएट स्ट्रेटा। स्ट्रेटा हम क्रिएट नहीं करते, स्ट्रेटा क्रिएट करना भी कह सकते हैं अगर आप उसको, मेरी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके हिसाब से मेरी पॉपुलेशन का नेचर क्या है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं क्लास टेंथ के, मेरे शहर के क्लास टेंथ के बच्चों का साइंस अचीवमेंट, तो ठीक है, फिर मैं क्लास टेंथ के बच्चे लूंगा, उनका साइंस अचीवमेंट नापूंगा, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं चाहता हूं, अब मेरी इसी रिसर्च में दूसरा ऑब्जेक्टिव है, क्या क्लास टेंथ के, या रिसर्च क्वेश्चन है कि क्या क्लास टेंथ के मेरे शहर के साइंस के बच्चों के अचीवमेंट में लड़कियां लड़कियों में कोई अंतर है। फिर से करेक्ट कर रहा हूं मैं सेंटेंस को, मैं ये चाहता हूं कि क्या क्लास टेंथ के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स लड़के और लड़कियों के साइंस अचीवमेंट में कोई अंतर है। अब अगर ये सिचुएशन है तो मेरी पॉपुलेशन लड़के और लड़कियों में दो ग्रुप में बांटनी होगी मुझको। इस सिचुएशन में अब मैं लड़कियों से अलग सैंपलिंग करूंगा, लड़कों से अलग सैंपलिंग करूंगा। अगर मैं रैंडम सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करना चाहता हूं, तो उस सिचुएशन में मुझको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग करनी होगी। तो यहां स्टेटा बट गए। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि टीचर्स का जॉब सेटिस्फेक्शन स्टडी करना चाहता हूं, तो ठीक है, टीचर्स का जॉब सेटिस्फेक्शन स्टडी करूंगा, मेरी पॉपुलेशन एक ही स्टेटम लिए हुए है। लेकिन मैंने कहा कि टीचर्स, क्या गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स और प्राइवेट स्कूल टीचर्स के जॉब सेटिस्फेक्शन में कोई अंतर है। अब मेरी पॉपुलेशन दो स्टेटम में बढ़ गई, दो स्टेटम में बढ़ गई, एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर, दूसरा प्राइवेट स्कूल टीचर्स। ये सिचुएशन है। आई होप कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था क्लियर हो गया होगा। वापस आते हैं कि मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन के बच्चों का इस ऑनलाइन टीचिंग के बारे में क्या थिंकिंग है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो अब मेरे कॉलेज में से मैं डेटा कलेक्ट करना चाहता हूं। मेरे कॉलेज में मान लीजिए 500 बच्चे बीए में हैं, 300 बच्चे बीएससी में हैं और 200 बच्चे बीकॉम में हैं। 500, 3, 800, 200, 1000 बच्चे मेरे कॉलेज में ग्रेजुएशन में टोटल है। तो अब उस सिचुएशन में ये मेरी जो पॉपुलेशन है ग्रेजुएशन के बच्चों की, तीन स्ट्रेटा में बटी हुई है, बीए, बीएससी, बीकॉम। यहां स्ट्रेटम डिवीजन का बेसिस स्ट्रीम है, जरूरी नहीं हमेशा जेंडर ही होगा, जेंडर के बेसिस पर होता है, रूरल अर्बन हो सकता है, प्राइवेट गवर्नमेंट टीचर हो सकते हैं। यहां मैंने स्ट्रेटा मेरी जो बचा बटा पॉपुलेशन में वो तीन स्ट्रेटा में बटा हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ग्रेजुएशन का जो सैंपल मैं लूं बच्चों से बात करने के लिए, मान लीजिए मैं 100 बच्चों का सैंपल लेना चाहता हूं, तो मैं 100 बच्चों का सैंपल अगर मैं रेंडमली लूं, इन 1000 बच्चों की एक पर्चियां बनाऊं, लॉटरी निकालूं, तो चांसेज हैं कि मैक्सिमम बच्चे बीए के सेलेक्ट हो जाएं। और मैं चाहता हूं कि क्या बीए, बीएससी और बीकॉम वाले अलग अलग तरीके से सोचते हैं ऑनलाइन टीचिंग के बारे में, तो मुझको कायदे में तीनों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए अपने सैंपल में। और अगर तीनों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो मुझको इंश्योर करना होगा कि तीनों आए मेरे, तो मुझको चाहिए क्या कि मैं ये जो 500 बच्चे बीए के हैं इनके मैं अलग ग्रुप बनाऊंगा, इनमें से अलग सैंपलिंग करूंगा। ये जो 300 बच्चे बीएससी के हैं इनका मैं अलग ग्रुप बनाऊंगा, इनमें से अलग सैंपलिंग करूंगा। और ये जो 200 बच्चे बीकॉम के हैं इनमें से अलग ग्रुप बनाऊंगा, अलग सैंपलिंग करूंगा। इस सिचुएशन में मुझे अब इन 500, 3800 और 2000 में से 100 बच्चे सेलेक्ट करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। इसीलिए हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को भी फर्दर दो चीजों में सब डिवाइड करते हैं। एक है डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, दूसरा है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग।
विषमानुपाती और एक समानुपाती। विषमानुपाती का मतलब क्या है कि जो मेरी पॉपुलेशन जिस अनुपात में बटी हुई है अलग अलग स्तरों में, उसके अनुपात का मैं सैंपल सेलेक्ट करते समय ख्याल नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि मैं तीन हैं 500, 200, 300 और 200, और मैं सबसे 33 बच्चे सेलेक्ट कर लूंगा, 33 डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। मैंने अलग अलग स्टेटा से लिया तो, लेकिन उस अनुपात में नहीं लिया जिस अनुपात में वो पॉपुलेशन बना रहे हैं। यही दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैंने देखा कि 1000 में से 500 बच्चे बीए के हैं, 1000 में से 300 बच्चे बीएससी के हैं, 200 बीकॉम के हैं, तो चूंकि आधे बच्चे पॉपुलेशन में बीए के हैं तो मेरे सैंपल में भी आधे बच्चे बीए के होने चाहिए। तो मैं 100 बच्चे अगर सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैंने 500 में से 50 लिए बीए के, 30 लिए बीएससी के, 20 लिए बीकॉम के, 50, 30, 80, 20, 100। अब ये 100 का सैंपल बन गया। ये 100 का सैंपल अपने मूल पॉपुलेशन के अनुपात में है, इसलिए उसको समानुपाती स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। ऑब्वियसली प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है उस सैंपल में, लेकिन हम दोनों तरीके से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग करते हैं, प्रोपोर्शनेट भी और डिस्प्रोपोर्शनेट भी। इसके अलावा एक तीसरी सिचुएशन आती है, जो तीसरा इसमें है आगे, वो है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। इसमें कुछ सज्जन हैं जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक अपनी रिसर्च स्टडी का क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका, लेकिन मैं अभी उस स्पेसिफिक रिसर्च स्टडी को, इंडिविजुअल को आंसर करना थोड़ा मुश्किल होगा इस लाइव सेशन में, आप अलग से या कमेंट में मैं उसमें बात कर पाऊंगा, फिर मैं जरूर आंसर करूंगा इस बात का। हेलो, क्या वीडियो पॉज हो गया है? हेलो, मुझको किसी ने कमेंट दिया है वीडियो पॉज हो गया है, क्या मुझे कंफर्म करें सोमू या कोई और, क्या वीडियो पॉज्ड है? हेलो, ओके, प्रदीप जिन्होंने मुझे कमेंट दिया वीडियो पॉज का, वो अपना नेटवर्क देखें, शायद उनके यहाँ प्रॉब्लम होगी। ओके, कमिंग बैक टू दिस लेक्चर, ये जब हमने कहा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, तो उसमें हमने बात की अभी तक सिंपल रैंडम सैंपलिंग की, और दूसरी हमने बात की स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की, जिसमें हमने प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट दो की बात की। अब हम तीसरी की बात कर रहे हैं, वो है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग तब हम करते हैं जब मुझको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करनी है। मेरी पॉपुलेशन बड़ी तो है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, बड़ी है, लेकिन एक प्रॉपर उसकी लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, या लिस्टिंग उसकी की जा सकती है बड़ी आसानी से। जैसे एक किसी गांव में 10,000 लोग हैं, और उस गांव से मुझको 1,000 लोग सेलेक्ट करने हैं, और 10,000 लोगों की वोटर लिस्ट मौजूद है। इस सिचुएशन में मैं सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग के लिए जाऊंगा, जहां पॉपुलेशन की लिस्टिंग या तो मौजूद हो या आसानी से की जा सकती हो, उस सिचुएशन में हम सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग के लिए जाते हैं। और उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया कि 10,000 लोग हैं एक गांव में और मुझको 1,000 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो 10,000 में से 1,000 कितना हिस्सा हुआ? 1/10 हुए। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन का 1/10, 10वां हिस्सा मुझको सैंपल के रूप में सेलेक्ट करना है। इस सिचुएशन में जब मुझे 10वां हिस्सा करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 10 पर्चियां बनाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर्स की 10 पर्चियां बनाऊंगा, और इन 10 पर्चियों में से रेंडमली कोई एक पर्ची सेलेक्ट करूंगा। सपोज पर्ची नंबर 2 सेलेक्ट होगी। अब मैं 2 नंबर का जो व्यक्ति है, उस जो वोटर लिस्ट है, उसको सेलेक्ट कर लूंगा मैं सैंपल के रूप में। 2 के बाद चूंकि मैं 10वां हिस्सा सेलेक्ट करना चाहता हूं अपनी पॉपुलेशन का, तो 2 के बाद हर 10वां व्यक्ति मेरी सैंपल का पार्ट होता चला जाएगा। 2, 12, 22, 32, 42, जिनको हिंदी के डिजिट समझने में दिक्कत होती हो उनको
सेकेंड, ट्वेल्थ, 22nd, 32nd, 42nd, 52nd, 42nd, 42nd एंड 52th. ये जो कैंडिडेट हैं ये मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा और इस तरीके से कहां तक पहुंचूंगा लास्ट में, जब मेरा 9,992 कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ होगा. आप देखेंगे कि इस तरीके से मैंने 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए होंगे. हर nth कैंडिडेट हम कॉमनली बोलते हैं, nth कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करते जाते हैं. मान लीजिए इसी 10,000 की पॉपुलेशन से मुझको 500 लोग लेने थे. अगर मैं 500 का सैंपल सेलेक्ट करूंगा तो 500 कितना हिस्सा हुआ इस 10,000 का? 20वां हिस्सा, 120th. तो मैं 20 पर्चियां बनाऊंगा, एक से लेके 20 नंबर तक की, और इन 20 पर्चियों में से रेंडमली एक पर्ची को सिलेक्ट करूंगा. सपोज 15 नंबर की पर्ची सिलेक्ट हुई तो 15 नंबर का कैंडिडेट मेरा सैंपल हो गया. 15 में फिर 20 जोड़ दीजिए, 35वें नंबर का कैंडिडेट मेरा सैंपल हो गया, फिर 20 जोड़ दीजिए 55, फिर 20 जोड़ दीजिए 75, फिर 20 जोड़ दीजिए 95. इस तरीके से मैं 20-20 जोड़ते हुए जो जो नंबर आते जाएंगे उन उनको सैंपल के रूप में सेलेक्ट करता जाऊंगा और लास्ट में आप पाएंगे कि आपने 500 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए. ये तरीका है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग का. अगर मेरी 10,000 की पॉपुलेशन है और लिस्ट उसकी कोई मौजूद नहीं है और मुझे लिस्ट बनाने में ही अगर बहुत मेहनत करनी पड़े तो हमको एक बार सोचना होगा कि मुझको सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. इसलिए कॉमनली जहां लिस्ट अवेलेबल होती है या बहुत इजी हो लिस्ट बनाना वहीं हम इन सब चीजों पर जाते हैं. सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है. कंट्रोवर्सी कैसे? मैक्सिमम लोग रखते हैं इसको प्रायोरिटी सैंपलिंग में. जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने भी रखा है. प्रोफेसर ए के सिंह, अरुण कुमार सिंह, जिनको आप लोग जानते होंगे, पटना यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं, बड़ी रिनाउंड, उन्होंने बड़ी अच्छी एक किताब लिखी, मुझे बड़ी पसंद है वो किताब, टेस्ट मेजरमेंट्स एंड रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंसेज. कभी टाटा मैकग्रॉ हिल से पब्लिश होती थी, अभी भारती भवन से पब्लिश होती है. उसमें वो लिखते हैं, इस बुक को मैंने जानबूझ कर रेफर किया है क्योंकि इससे रिलेटेड मैं 2-3 बात और करूंगा इस लेक्चर में. उसमें वो लिखते हैं कि सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है. उनके वर्ड्स नहीं कोट कर रहा हूं मैं, उसका मतलब बता रहा हूं. और वो इसके पीछे लॉजिक देते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में कंडीशन है कि एक सैंपल, एक जो आपने सैंपल के रूप में सेलेक्ट किया व्यक्ति, उसका दूसरे के सिलेक्शन से लिंक नहीं होना चाहिए, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बंधा हुआ नहीं होना चाहिए. सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग के लिए वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने कोई व्यक्ति सेलेक्ट किया, शुरू में जो पर्ची बनाई, जैसे मैंने कहा 15 नंबर आया तो 15 के बाद अब 35 के बाद 55, तो वो कहते हैं कि जैसे आपने पहला व्यक्ति सेलेक्ट किया उसके बाद उसने nth नंबर के व्यक्ति ऑटोमेटिकली उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है. लेकिन मैक्सिमम लोग इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में लेके चलते हैं. मैं भी पर्सनली इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप मान रहा हूं क्योंकि जो शुरू में जो नंबर आया है वो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है, उसको हमने कोई चीज फिक्स नहीं की है. इसके अलावा जो चौथा इसमें टाइप है वो है एरिया सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग. ध्यान देना, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जब मेरी पॉपुलेशन होमोजीनियस थी, फाइनाइट थी, तो मैंने यूज किया सिंपल रैंडम सैंपलिंग. जब पॉपुलेशन स्ट्रेटा में डिवाइडेड है लेकिन हर स्ट्रेटम अपने आप में होमोजीनियस है तो मैंने यूज किया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग. जब पॉपुलेशन की लिस्टिंग पॉसिबल है, ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है, तो मैंने यूज किया सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग. लेकिन जब मेरी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, संख्या बहुत बड़ी है, कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, या बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैली हुई है, स्कैटर्ड है, आसानी से संभव नहीं है उसको लिस्ट कर पाना या उसकी पर्चियां बना पाना, तब हम एरिया सैंपल या क्लस्टर सैंपलिंग यूज करते हैं. दोनों इसी के नाम है. तो पॉपुलेशन की नेचर क्या है उसके बेसिस पर हम अपनी मेथड का सिलेक्शन कर रहे हैं. अब पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, तब हम बात करेंगे. जैसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इंडिया में क्लास 10th के बच्चों का एवरेज IQ क्या है. अब उस सिचुएशन में इंडिया के सारे बच्चे क्लास 10th के, बहुत बड़ी जनसंख्या, इवन मैं स्कूल्स की भी बात करूं
गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया तो भी बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो ऐसी सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं कि जितने स्टेट्स हैं, मान लीजिए मैंने उनका एक क्लस्टर बनाया, उस उन क्लस्टर्स में से कुछ स्टेट सेलेक्ट किए, या अगर मुझको लगता है कि स्टेट्स के बेसिस पे क्लस्टर ठीक नहीं होंगे तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में उनका एक क्लस्टर बनाया, उसमें से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए रेंडमली। अब जितने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गए उन डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं उन ब्लॉक्स के क्लस्टर्स बनाए, अब उसमें से कुछ ब्लॉक सेलेक्ट किए, अब जितने ब्लॉक सेलेक्ट किए हैं उनमें जो स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट बनाई, उनका एक क्लस्टर बनाया, अब उसमें से कुछ स्कूल सेलेक्ट किए। ध्यान देना, मैं हर बार हर लेवल पर इस क्लस्टर को बांटता जा रहा हूं, एक क्लस्टर पे क्लस्टर बनाता जा रहा हूं, इस एक क्लस्टर, फिर उसके बाद उसमें से निकला, फिर दूसरा ग्रुप लिया, फिर उसके बाद तीसरा ग्रुप लिया, फिर उसके बाद चौथा ग्रुप लिया, ऐसे हम क्लस्टर बना रहे हैं, और इस तरह से अल्टीमेटली करते हम लास्ट में बच्चों तक पहुंच जाएंगे, अपना सैंपल सिलेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं एरिया या क्लस्टर सैंपलिंग, कई स्टेज पर हम इसको करते हैं। दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, कई बार हम डिपेंड करता है मेरी रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, आंसर किससे बेहतर मिलेगा, क्योंकि रिसर्चर का कॉमन सेंस जरूरी है अप्लाई करना कि किससे बेहतर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मुझको मिलेगा। ये भी उसमें होता है कई बार कि मैंने इंडिया का मैप रखा, नॉट फॉर दिस प्रॉब्लम, फॉर सर्टेन अदर प्रॉब्लम्स मैं ज्योग्राफिकली भी डिवाइड कर सकता, क्लस्टर बना सकता हूँ, लाइन ड्रॉ करके क्लस्टर ड्रॉ कर सकता हूँ, रेंडम चौकोर खाने बना सकता हूँ, मैप पर रखकर फिर क्लस्टर पकड़ सकता हूँ। क्लस्टर बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बड़े समूह का, बड़े ग्रुप के पहले क्लस्टर्स बना लेता हूँ, और फिर उन क्लस्टर्स के में से कुछ चीजें सेलेक्ट करूंगा, फिर उनमें फर्दर क्लस्टर बनाऊंगा। इस तरीके से हम अपने लास्ट में सैम्पलिंग यूनिट तक पहुंचते हैं और अपना सैंपल ड्रॉ करते हैं। ये तब करते हैं जब पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी संख्या में है, ज्योग्राफिकली बहुत दूर तक फैली हुई है, या उसकी कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, या कई बार कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड नहीं है। इस सिचुएशन में हम एरिया या क्लस्टर सैंपलिंग यूज करेंगे। ये हुए चार तरीके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के मुकाबले बेहतर रिप्रेजेंटेशन देती है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि रेंडमाइजेशन अपने आप में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी नहीं है। ये मान लीजिए मैंने जो सैंपलिंग एरर की बात की थी, उसके साथ में एक बात और मैं यहां ऐड करना चाहता हूं कि सैंपल साइज भी हमेशा अच्छे सैंपल की गारंटी नहीं है। मैंने बड़ा सैंपल लिया लेकिन सेलेक्ट प्रॉपरली नहीं किया है तो बहुत फायदे का नहीं है, छोटा सैंपल लिया लेकिन सेलेक्ट प्रॉपरली किया है उससे ज्यादा बेहतर है, प्रॉपरली सेलेक्ट किए सैंपल्स में से बड़ा साइज छोटे से बेहतर है। इसलिए हम कहते हैं कि एडिक्वेट सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव एंड एडिक्वेट, ये सैंपल की दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पर्याप्त होना चाहिए और प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। जहां प्रॉपरली सेलेक्ट किया है मैंने सैंपल, वहां बड़ा साइज बेहतर होगा उसके छोटे साइज के मुकाबले, लेकिन एक प्रॉपरली सेलेक्ट किया, एक प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं किया, जो सेलेक्ट नहीं किया है प्रॉपरली उसका साइज बड़ा है तो भी वो यूजलेस है प्रॉपरली सेलेक्ट किए गए छोटे साइज के मुकाबले। चलिए वापस आते हैं, हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक की बात कर चुके, नॉन, अब जो दूसरा इसमें टाइप है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में हम लोग कई टेक्निक्स के कई मेथड्स की उसमें बात करते हैं। ऑब्वियसली जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक कर पाना मेरे लिए संभव ना हो रिसर्च में, तभी हमको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक पर जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली उतने बेहतर रिजल्ट देगा नहीं, लेकिन हम करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक कर पाना, तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक भी करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक मैं जब हम सैंपल के रूप में सेलेक्ट किए जाने के लिए पॉपुलेशन के प्रत्येक इंडिविजुअल को इक्वल चांस ना दे पाए तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक चल रही है। उसमें कई सारे तरीके हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन तरीका यूज होता है वो है कन्वीनियंट सैंपलिंग।
उसी को लोग यूज करते हैं दूसरे नाम से, एक्सीडेंटल सैंपलिंग, कुछ लोग उसका नाम रखते हैं इंसिडेंटल सैंपलिंग, तीनों एक ही के लिए नाम चलते हैं। ये कन्वीनियंट सैंपलिंग वो तरीका है जब हम सैंपल के रूप में पॉपुलेशन के लोगों को कुछ लोगों को इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए सबसे कन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं, सबसे आराम से अवेलेबल होते हैं, या वो वॉलंटियर करते हैं कि हाँ चलो हम डेटा देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी रिसर्च का पार्ट बनेंगे। ध्यान देना कि जब कुछ लोगों ने वॉलंटियर किया तो पूरी पॉपुलेशन में से आपने रैंडम सिलेक्शन नहीं किया, इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं कि मेथड ए और मेथड बी को कंपेयर करना चाहता हूं कि 10th क्लास के बच्चों को अगर मेथड ए और बी से पढ़ाया जाए तो दोनों में से कौन सा मेथड बेहतर है उनके अचीवमेंट के लिए। अब मैं इसके लिए मुझको स्कूल चाहिए, 10th क्लास के बच्चे चाहिए, और मैंने कहा मैं अपने शहर के 10th क्लास के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, तो मेरे शहर के 10th क्लास के बच्चे पॉपुलेशन हो गए। अब इसमें से मुझको कुछ सैंपल चाहिए। अगर मैं उन 10th क्लास के मान लीजिए 10,000 बच्चे हैं मेरे शहर में और मैं उनका रैंडम सैंपल लेने लगूं 100 बच्चों का, तो कोई उसी स्कूल का सिलेक्ट होगा, कोई दूसरे स्कूल का सिलेक्ट होगा, कोई तीसरे स्कूल का सिलेक्ट होगा, उनको मैं इकट्ठे एक जगह बैठा के पढ़ाऊंगा कहाँ? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कर ले अरेंज, अच्छी बात है, बेस्ट है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए रैंडम कर पाना संभव नहीं होगा। अगर मैं सबको एक जगह इकट्ठे, स्कूल अलाउ ना करे, हम तो नहीं भेजते अपने बच्चों को इस स्कूल के अलावा दूसरी जगह। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए मुझको, चलो मैंने कहा कि मैं स्कूल्स की लिस्ट बना लेता हूँ और स्कूल्स में से एक रैंडम सिलेक्शन करूंगा, तो कोई स्कूल एक्स सेलेक्ट हो गया कि चलो इस स्कूल एक्स में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अपना। मैं गया स्कूल एक्स के प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल ने कहा नहीं साहब 10th क्लास है, बोर्ड के बच्चे, हम तो आपका अलाउ नहीं करेंगे, पता नहीं आप कैसा पढ़ाते होंगे, हमारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं, आप जाइए, हम नहीं अलाउ करेंगे। प्रिंसिपल ने अलाउ नहीं किया। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो मैं अल्टीमेटली कहाँ जाके अपना एक्सपेरिमेंट करूंगा? तो मैं ढूंढूंगा एक ऐसा स्कूल जहाँ 10th क्लास के बच्चे हों, सफिशियंट संख्या हो, और प्रिंसिपल मुझे अलाउ कर दें, कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जाए कि ओके चलिए साहब आप अपना एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अब जब मैं कन्वीनियंट देख रहा हूँ, देखिए ये सैंपल मेरे लिए कन्वीनियंट है, यहाँ मैं आराम से अपना एक्सपेरिमेंटेशन कर पाऊंगा, या किसी स्कूल ने कहा साहब आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आपको और कहीं जगह नहीं मिल रही है, दे आर वॉलेंटियरिंग देमसेल्फ। इस सिचुएशन में ये सैंपल सेलेक्ट हुआ, ये एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल या कन्वीनियंट सैंपल कहलाता है। रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का होता है, क्योंकि आपने सबको इक्वल चांस नहीं दिया सेलेक्ट होने का। कुछ और इसमें एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम इसको कुछ लोग बहुत कॉमन लैंग्वेज में यूज भी करते हैं, सैंपल ऑन द स्ट्रीट। आपने देखा ना टीवी एंकर कई बार रोड पर खड़े हो जाते हैं और आते जाते लोगों से पूछते रहते हैं, हाँ जी आपका क्या कहना है इस बारे में, हाँ जी आपका क्या कहना है इस बारे में। ये जो आप वो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जो स्ट्रीट पर मिल गए लोग बाय चांस, ये भी इसी सैंपलिंग टेक्निक का पार्ट है, एक्सीडेंटल सैंपलिंग। वहां है वो, एक्सीडेंटली वो मौजूद है तो वो पार्ट हो गए उस सैंपल का, नहीं होते मौजूद नहीं होते, सबको इक्वल चांस नहीं दिया उन्होंने सेलेक्ट करने के लिए, इसलिए ये सारे जो है एक्सीडेंटल सैंपलिंग, इंसिडेंटल सैंपलिंग या कन्वीनियंट सैंपलिंग, ये जो टाइप है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक टाइप है। दूसरा जो इसमें है एक तरीका है वो है कोटा सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। कोटा सैंपलिंग में ध्यान दीजिए, जैसे हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल में हम गए, हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटा हैं, अलग अलग स्ट्रेटा में हमने जो सिलेक्शन किया था, जैसे बीए में 500 बच्चों का किया था, बीएससी में 300 बच्चों का किया था, बीकॉम में 200 बच्चों का किया था, वो हमने 500 में से 50 बच्चे जो सेलेक्ट किए थे वो हमने 500 में से 50 रेंडमली सेलेक्ट किए थे। लेकिन जब मेरे लिए अपने स्ट्रेटम में से रेंडम सिलेक्शन पॉसिबल ना हो तो मैं क्या करूंगा कि बीए के बच्चे हैं, मुझे 50 बच्चे लेने, तो मैंने एक तरफ से बीए के बच्चों से बात करनी शुरू की और जहां 50 बच्चे पूरे हो गए, मेरा कोटा पूरा हो गया, मैं रुक गया। तो जो मुझको शुरू में 50 मिल गए, या एक तरफ से मैंने लिस्ट से किसी से ले लिया, जैसे संभव हुआ, मैं एक तरफ से सैंपल लेना शुरू करता हूं अपने स्टेटा में से। ध्यान देना, रेंडम नहीं कर रहा हूं। जब मैं 500 में से 50 बच्चे रेंडमली सेलेक्ट करूंगा तो कोई भी 50 आ सकते हैं, कोई लास्ट वाला व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन कोटा सैंपलिंग में हम ये नहीं करते, हम एक तरफ से सैंपल लेना शुरू करते हैं और जहां तक मेरा कोटा फिक्स्ड हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वहां मैं अपना सैंपल रोक देता हूं, कोटा सैंपलिंग है।
मैंने कोटा डिसाइड कर रखा है, इतने बच्चे लेने और कोटा पूरा हो गया, बात खत्म होगी। किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, सबको चांस मिला नहीं मिला, कोई टेंशन, ये मैं टेंशन नहीं करता, मुझको अपनी संख्या पूरी करनी है। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। यहाँ एक ही बात आ सकती है कि जैसे हमने स्कूल जो सेलेक्ट किया वो भी तो कोटा हो सकता था ना। स्कूल में देखिए, अभी जो मैंने पहला एक्सीडेंटल वाला या कन्वीनियंट वाला एग्जाम्पल लिया था, वहां उस स्कूल में जितने बच्चे हैं मैं उतने पर ही एक्सपेरिमेंट करूंगा। बेशक मैंने सोचा था कि मैं 50-50 के दो ग्रुप बनाऊंगा, लेकिन जब कन्वीनियंट सैम्पलिंग पर मैं गया तो पता चला कि दो सेक्शन में बच्चे सिर्फ 30-30 हैं, तो मैं 30-30 पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। जबकि कोटा सैम्पलिंग में हम तब तक सैंपल लेंगे जब तक मेरा कोटा पूरा ना हो जाए। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो कोटा सैंपलिंग में हम इस तरीके से करते हैं, अपने अपने स्टेटम में से, हर स्टेटम में से अपना कोटा पूरा होने तक हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं। वहीं तीसरा इसमें एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं, ध्यान देना कि पॉपुलेशन का या मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से, उसके हिसाब से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं चीजें। तीसरा है इसमें चेन सैंपलिंग, उसको कॉमनली लोग जानते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग के नाम से, बर्फ का गोला वाला स्नोबॉल सैंपलिंग, उसका दूसरा नाम चेन सैंपलिंग भी है। इसलिए हम इसमें बोलते हैं कि जैसे बर्फ के गोले की खासियत होती है ना कि पहाड़ों पर अगर आप जाएं बर्फ में तो आप बर्फ की एक छोटी सी गेंद बनाएं और उसको लुढ़का दें अगर ऊपर से, तो वो नीचे जाते जाते अपने आसपास की बर्फ को अपने आसपास लपेटती रहती है और बड़ी होती चली जाती है, इसीलिए उसको स्नोबॉल बोलते हैं इस सैंपलिंग को। ये सैंपलिंग तब काम आती है जब हम किसी ऐसे टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं जहां सैंपल में सेलेक्ट होने वाले लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते या उन तक पहुंच पाना आसान नहीं है, वो हिडन है, किसी भी रीजन से हो सकता है। मान लीजिए मैं ड्रग एडिक्ट्स पर कोई रिसर्च करना चाहता हूं या एड्स पेशेंट्स पर कोई रिसर्च करना चाहता हूं, एड्स पेशेंट अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते सोसाइटी में अगर, तो इतना आसान नहीं है मेरे लिए उनकी सैंपलिंग कर पाना। या ड्रग एडिक्ट, तो ड्रग एडिक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा आसानी से कि हम ड्रग यूज करते हैं या ड्रग वहां से लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक लिंक मिल गया, रेफरेंशियल सैंपलिंग भी कुछ लोग इसलिए इसको बोलते हैं, अगर मुझको एक कोई व्यक्ति मिल गया उस कड़ी में, तो मैं उससे अगर उसने उस पर उसने मुझ पर ट्रस्ट कर लिया तो अब उसके रेफरेंस से मैं नेक्स्ट व्यक्ति तक पहुंच जाऊंगा, उसके बाद उस दूसरे व्यक्ति के रेफरेंस से तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाऊंगा, तीसरे के रेफरेंस से चौथे तक पहुंचूंगा, चौथे के रेफरेंस से पांचवे तक पहुंचूंगा, और इस तरीके से चेन बनती चली जाती है, रेफरेंस से चेन बनती चली जाती है, और इस तरीके से मैं अपना सैंपल कलेक्ट कर लूंगा। इसीलिए रेफरेंशियल सैंपलिंग या चेन सैंपलिंग या स्नोबॉल सैंपलिंग, ये जुड़ती गई ना एक के साथ दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से मेरा सैंपल साइज बड़ा होता जा रहा है, जैसे स्नोबॉल बड़ी होती चली जाती है, इसलिए इसको स्नोबॉल सैंपलिंग या चेन सैंपलिंग या हम रेफरेंशियल सैंपलिंग भी कहते हैं। चौथा जो इसमें है और जो बड़ा महत्वपूर्ण है और जो बड़ा डिबेट का विषय भी है, क्योंकि हम उसमें बड़ा मिसकंसेप्शन रखते हैं बहुत लोग, वो है इसमें पर्पजिव सैंपलिंग। पर्पजिव सैंपलिंग का ही दूसरा नाम जजमेंटल सैंपलिंग भी है। ध्यान देना, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि जजमेंटल सैंपलिंग उसका ज्यादा बेहतर नाम है। व्हाई? पर्पजिव सैंपलिंग, हम जो बहुत कॉमनली मिसकंसेप्शन है हमारा, हम बहुत कॉमनली उसको एक्सप्लेन करते हैं कि पर्पजिव सैंपलिंग क्या है, कि वो सैंपल जो हमारा पर्पज सर्व करे वो पर्पजिव सैंपलिंग है। नो, अभी तक जितनी सैंपलिंग टेक्निक हमने पढ़ी है, सिंपल रैंडम सैंपल, स्ट्रेटिफाइड, या जिसमें भी हमने सैंपल सेलेक्ट किया है, उनमें से ऐसा कौन सा सैंपल है जो हमारा पर्पज सर्व नहीं कर रहा था? मैंने जो चेन सैंपल से भी लिया, क्या वो पर्पज सर्व नहीं कर रहा है? कर रहा है, तो इस तो वो सब पर्पजिव सैंपलिंग हो गए। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये कहना कि जो पर्पज सर्व करे वो पर्पजिव सैंपलिंग, नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमको क्या, इसीलिए मैं कहता हूं कि जजमेंटल सैंपलिंग उसका ज्यादा बेहतर वर्ड है। ध्यान देना, जजमेंटल वर्ड आप याद करिए, जजमेंट, जजमेंट कौन देता है? जज। जज कैसे जजमेंट देता है? जो जजमेंट उसके मन में आता है या सबूतों के बिना पर, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, प्रूफ के बेसिस पर, कुछ लॉजिक होता है उसके डिसीजन में। जज ऐसे जजमेंट नहीं देता कि चलो चलो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तुमको फांसी दे देता हूं, ऐसा नहीं होता।
तो इसी तरीके से परपजिव सैंपलिंग में भी जब हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल में रिसर्चर अपने जजमेंट एक लेता है, और जजमेंट लेने को इसलिए लिंक करिएगा उस बात से कि जजमेंट लेना ऑन द बेसिस ऑफ सम बैकग्राउंड होगा, लॉजिक होगा। अच्छा, रैंडमली नहीं, अब्रप्टली नहीं होगा कि मुझे लगा इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। नो, किसी बेसिस पर रिसर्चर ये जजमेंट लेता है कि पॉपुलेशन के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट में से ये सेगमेंट मेरे लिए रिसर्च का पर्पस सर्व कर देगा, बाकी सेगमेंट को मैं छोड़ सकता हूं। और फिर मैं पॉपुलेशन के उस सेगमेंट को सेलेक्ट करता हूं और फिर उसमें से सैंपलिंग करता हूं। ध्यान देना, पॉपुलेशन का सेगमेंट सेलेक्ट किया, फिर उसमें से सैंपलिंग की। जैसे मैंने कहा कि साहब मैं पॉलिटिकली मत लीजिएगा इस चीज को, देश की सरकार कैसे काम कर रही है इसके बारे में जानना चाहता हूं। अब देश की सरकार के काम करने के बारे में देश के सभी नागरिक पॉपुलेशन है, लेकिन रिसर्चर को लगता है कि मान लीजिए मैं देश की सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में जानना चाहता हूं। अब उस आर्थिक नीतियों के बारे में जानने के लिए मुझे, सारे लोग ऐसे तो देश के नागरिक है तो सब जवाब दे सकते हैं, तो सब पॉपुलेशन हो गए, लेकिन रिसर्चर को लगता है, मुझे लगा कि अब कोई व्यक्ति बिल्कुल इलिटरेट है, मजदूरी कर रहा है, वो डायरेक्ट आर्थिक नीति का एनालिसिस कर पाएगा क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो नहीं कर पाएगा, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक रिसर्चर का जजमेंट, वो क्या सोच रहा है अपने ऑब्जेक्टिव हिसाब से। तो उसको लगा कि जो सीए है वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे टैक्स नीति कैसी है, जो कॉरपोरेट में बिजनेसमैन से है, बड़े बिजनेस हाउस हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, जो अच्छी जो रजिस्टर्ड दुकानें चलाते हैं जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ये सब लोग बता पाएंगे। तो मैंने बाकी लोगों को इस अपने पॉपुलेशन से हटा दिया, मैंने कहा कि मैं भारत के नागरिकों में से जो सीए हैं, जो कॉरपोरेट या बिजनेसमैन है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। तो मैंने अपनी पॉपुलेशन के कुछ सेगमेंट्स को छोड़ दिया और कुछ सेगमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। ये मैंने एक जजमेंट लिया लॉजिक के बेसिस पर कि इन लोगों के पास आर्थिक नीतियों की जानकारी ज्यादा होगी। मैं और भी ले सकता हूं, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स, टैक्स भरने वाले लोग, नौकरी पेशा। अब मेरे डिपेंड करेगा मैं कैसे जजमेंट ले रहा हूं, इसीलिए इसको जजमेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी रिसर्च का पर्पस सीए और बिजनेसमैन सर्व कर देंगे, तो मैं ठीक है सीए और बिजनेसमैन से डेटा कलेक्ट करूंगा। अब उन सीए और बिजनेसमैन की जो पॉपुलेशन है उसमें से मैं सैंपल ले लूंगा, तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पॉपुलेशन के कुछ सेगमेंट्स को छोड़ दिया है। इस सिचुएशन में मेरा पर्पस सर्व कर रहे हैं ये दो ग्रुप, मैंने मैंने यहां कलेक्ट किया, इनसे मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। एक और पॉइंट है, मैं एक बहुत कॉमनली एग्जाम्पल देता हूं, जो जिन लोगों ने क्लास में या कहीं मेरे लेक्चर में सुना होगा, मैं फिर से एग्जाम्पल देता हूं। नहीं, दूसरा एग्जाम्पल, मैं जानना चाहता हूं कि प्रेशर कुकर कौन सा बेहतर है। तो प्रेशर कुकर यूज करने वाले लोग मेरी पॉपुलेशन है, और प्रेशर कुकर यूज करने वाले लोग कौन है? हाउस वाइफ हैं, जो सिंगल लोग रहते हैं, बैचलर लाइफ, वो है जो खुद से खाना बनाते हैं, ढाबे वाले हैं, होटल वाले, रोड साइड जो चलाते हैं, ये सब लोग प्रेशर कुकर यूज करने वाले लोग हैं, प्रेशर कुकर सेलर्स। तो मैंने कहा इन सारी जनसंख्या में से हाउस वाइफ एक ऐसा सेगमेंट है जो मेरा पर्पस सर्व कर देगा, बस ठीक है। तो मैं बाकी लोगों से सैंपल डेटा कलेक्ट नहीं करता, मैं सिर्फ हाउस वाइफ से डेटा कलेक्ट करूंगा। मैंने एक जजमेंट लिया, कहा कि हाउस वाइफ मेरा पर्पस सर्व कर देगी। इस सिचुएशन में मैं हाउस वाइफ से सैंपल कलेक्ट करूंगा, डेटा कलेक्ट करूंगा, उनमें से सैंपलिंग करूंगा, डेटा कलेक्ट करूंगा, तो ये मेरी पर्पजिव सैंपलिंग है। सो ये कह पाना कि जो मेरा पर्पस सर्व करे वो पर्पजिव सैंपलिंग है, नो, पर्पस तो सभी सर्व कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। इसमें बेसिस किसी एक बेसिस के आधार किसी एक बेसिस पर हम लॉजिक के बेसिस पर निर्णय लेते हैं कि भाई हम पॉपुलेशन के इस सेगमेंट को छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे और फिर हम सैंपलिंग करते हैं। ये पर्पजिव सैंपलिंग है। भी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की भी, तो मैं दूसरा एक सेशन इंग्लिश लैंग्वेज में कर लूंगा, क्योंकि अभी ड्यूरेशन मुझको लगता है कि 1 घंटे से ऊपर हो गई है और हमने 45 मिनट के आसपास का डिसाइड किया था, तो मैं इसको भी
दूसरी लैंग्वेज में कंटिन्यू करूँगा किसी दूसरे सत्र में, सो मुझे अगर उसको अरेंज कर पाएंगे तो। मैं आज के सेशन में फिर से एक बार इसको समराइज करता हूँ जो हमने बात की। हमने बात की कि दो टाइप की, हमने सैम्पलिंग टेक्निक की बात की, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर हमने बात की सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग और एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग। उधर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने बात की एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल और कन्वीनियंट सैम्पलिंग। दूसरी हमने बात की कोटा सैम्पलिंग। तीसरी हमने बात की चेन सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग। चौथी हमने बात की परपजिव सैम्पलिंग। ये दो बातें और मैं आपसे कह के इस सत्र में आपसे विदा लूंगा। एक तो जो मैंने प्रोफेसर ए के सिंह की किताब का जिक्र किया था, वो दो सैम्पलिंग और लिखते हैं अपनी किताब में, जो शायद आपको कहीं नाम सुनने के लिए मिले तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीजें हैं। वो लिखते हैं एक डेंस सैम्पलिंग। डेंस सैम्पलिंग में वो कहते हैं कि जब आप अपनी पॉपुलेशन का 75% हिस्सा सैंपल के रूप में सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो डेंस सैंपलिंग है। मेरा व्यक्तिगत मत इसमें यह है कि वो सैंपल साइज की बात कर रहे हैं, ना कि टेक्निक की। 75% साइज है, 75% कैसे सेलेक्ट किया ये बात नहीं हो रही है उसमें। तो डेंस सैंपलिंग इस तरीके से यूज किया था। वहीं वो एक टर्म और लिखते हैं सैचुरेटेड सैंपलिंग, अपनी किताब में लिखते हैं, उस बड़ी बढ़िया किताब है सैचुरेटेड सैंपलिंग। सैचुरेटेड सैंपलिंग में वो लिखते हैं कि जब आप पूरी पॉपुलेशन को सैंपल के रूप में सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये सैचुरेटेड सैंपलिंग है। यहां भी फिर वही है कि हमने फिर साइज की बात की है, टेक्निक की बात नहीं की। और फिर यहां तो सैंपलिंग हुई ही नहीं क्योंकि हमने पूरी पॉपुलेशन को ले लिया, सैंपलिंग एक्चुअल में हुई नहीं। तो ये टर्म भी आप अगर कहीं सुने तो उनके लिए मैंने इसलिए उसको शामिल किया। इसके अलावा कुछ चीजें मैंने अभी इसमें डिस्कशन में शुरू में छोड़ दी थी, ये मानते हुए कि आप ये सब चीजें सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग यूनिट, पॉपुलेशन ये सब जानते हैं। इन्हीं चीजों को कुछ अलग नाम से डेविड जे फॉक्स ने भी यूज किया अपनी किताब में। हम कॉमनली आज की डेट में सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग यूनिट के नाम से यूज करते हैं, लेकिन डेविड जे फॉक्स की बड़ी अच्छी एक किताब है, उन्होंने उस किताब में यूज किए हैं टर्म यूनिवर्स, पॉपुलेशन, इन्वाइटेड सैंपल, एक्सेप्टिंग सैंपल, डेटा प्रोड्यूसिंग सैंपल, इस तरीके से उन्होंने कुछ नाम यूज किए। मैं ऑब्वियसली उन्हीं की किताब से ये चीज देख के बोल रहा था अभी, तो वो भी कुछ टर्म्स हैं और हम अलग अलग सोर्सेज से पढ़े, लेकिन अल्टीमेटली जब हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो इनमें, इन चीजों में हम उसको ग्रुप, इन ग्रुप्स में, इन चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनमें से कुछ प्रश्न मैंने कोशिश की थी मैं इसमें शामिल करूं, कुछ प्रश्न डिस्कशन में कोशिश करूंगा, या जैसे भी जो प्लेटफॉर्म मुझको मिलेगा मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको आंसर करने के लिए। आप सभी ने इतने धैर्य से सुना, इतने साथ में बने रहे और मुझको बीच बीच में मोटिवेट करते रहे, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। इस प्लेटफॉर्म का आभारी हूँ, डॉक्टर समूह सिंह का आभारी हूँ जिन्होंने प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया आपसे रूबरू होने के लिए। इसी के साथ मैं एक चीज़ और शेयर आपसे करना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम जिस लॉकडाउन की बात करें इसमें डिफरेंट रिसोर्सेज आपके पास पहुंच ही रहे होंगे कि गवर्नमेंट के कितने सोर्सेज हैं, ईपीजी पाठशाला है, स्वयं है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में कितने सारे मूक्स अवेलेबल हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए। तो उन सबको भी आप एक्सप्लोर करें, जितनी ज़्यादा जगह से आप इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हैं, जितना क्रॉस रीडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इससे रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो आप में से बहुत लोग अवेयर होंगे, मैक्सिमम लोग अवेयर होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी अच्छी स्कीम है अर्पित, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, जिसके तहत हम ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं। MHRD की ये स्कीम है जिसके तहत स्वयं पर मूक्स के थ्रू हम रिफ्रेशर कराते हैं टीचर्स के लिए। जैसे आप एकेडमिक स्टाफ कॉलेज जिनको HRDC बोलते हैं उसमें आके जाके आप जैसे रिफ्रेशर करते थे उस तरीके के इक्विवेलेंट रिफ्रेशर उसमें कराए जाते हैं। अभी तक 2 राउंड उसके हो चुके हैं, दूसरा राउंड अभी कंप्लीट हुआ था, 16 फरवरी में उसका एग्जाम था। तो वो जो अर्पित 2019 के कोर्सेज थे वो गवर्नमेंट ने फिर से ओपन कर दिए हैं स्वयं प्लेटफॉर्म पर, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसमें है लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ रीडिंग के लिए किए हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें क्वेरी कर रहे हैं मुझसे कि क्या हम दोबारा रजिस्टर हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम और सर्टिफिकेशन अब नए सिरे से नहीं होगा, वो हो चुका है। तो आप वो भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो हमारे वीडियोस हैं अर्पित के, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, डिफरेंट रिसर्च से और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो हमारा है NRC इन एजुकेशन, नेशनल रिसोर्स सेंटर इन एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार CUSB, तो आप यूट्यूब पर जाएं और लिखें नेशनल रिसोर्स सेंटर इन एजुकेशन CUSB, तो
तो आपको हमारा लोगों के साथ एक यूट्यूब चैनल मिलेगा जिसमें आप डिफरेंट एक्सपर्ट्स के डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस भी आपको उसमें मिलेंगे, रिसर्च के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस आपको उसमें मिलेंगे। हम इसमें और भी अपडेट कर रहे हैं वीडियोस, अब वो लिंक भी डॉक्टर सोमू प्रोवाइड कर देंगे नीचे उस चैनल का, तो आप वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें जान सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप यहाँ मेरे साथ जुड़े रहे और यहाँ एक अच्छी चर्चा हुई। सभी को बहुत शुभकामनाएं और स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद।